माइकल जैक्सन, जिनका नाम दुनिया भर में किंग ऑफ पॉप के रूप से जाना जाता है, ऐसे कलाकार जिनकी प्रतिभा और लोकप्रियता ने उन्हें एक मूर्तिवान व्यक्ति बना दिया था। उसकी जिंदगी और संगीत ने दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया। कहना गलत नहीं होगा कि किंग ऑफ पॉप के नाम से मशहूर माइकल जैक्सन उन लोगों में से एक है जिन्होंने न केवल अपनी कलाकारी का जादू चलाकर दुनिया भर में नाम कमाया, बल्कि इस दुनिया से अलविदा कहने के बाद भी वो फैंस के बीच में कायम है। और ऐसा हो भी क्यों ना, माइकल के गाने, मूनवॉक और डांसिंग स्टाइल का जादू लोगों पर इस कदर चला कि हर कोई उसकी नकल करना चाहता था। यही तो एक वजह भी है कि चाहे माइकल का शानदार डांस मूव हो या फिर उसका अनोखा फैशन स्टेटमेंट, सब कुछ एकदम ट्रेंड बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा राज भी था जिसे छिपाने के लिए उन्होंने एक हाथ में हीरो से जड़ा दस्ताना पहना था। यह किस्सा उनकी आइकॉनिक हैंड दस्ताने से जुड़ा है जिसे वो अक्सर मंच पर पहने नजर आते थे। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि ये एक माइकल जैक्सन हमेशा एक व्हाइट ग्लव से क्यों पहनते थे? क्या महज ये एक फैशन स्टेटमेंट था या माइकल दस्ताने का इस्तेमाल उस चीज को छुपाने के लिए किया करते थे जिसे उन्होंने अपनी मौत तक छुपा कर रखा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम माइकल जैक्सन की जिंदगी के उसी राज के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को हुआ था। बचपन से उन्हें संगीत में रुचि थी। उन्होंने अपने भाई बहन के साथ मिलकर एक बैंड बनाया जिसका नाम उन्होंने जैक्सन फैमिली रखा। उस बैंड में दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की। माइकल जैक्सन ने अपने करियर में कई सफल गाने गाए और एल्बम रिलीज किए। उन्होंने 14 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो 80 के दशक के दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय कलाकार में से एक थे। माइकल जैक्सन का त्वचा का रंग बचपन से ही काला था, लेकिन 1980 के दशक में उनकी त्वचा का रंग अचानक हल्का होने लगा। ये बात को लेकर कई तरह के अफवाह फैले। कुछ लोग का कहना था कि उन्होंने अपने त्वचा का रंग बदलने के लिए सर्जरी करवाई है, तो कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने कुछ दवा का सेवन किया जिसकी वजह से उसके त्वचा का रंग बदलने लगा। माइकल जैक्सन ने कभी भी अपने त्वचा के रंग के बारे में खुलकर बातें नहीं की, लेकिन उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी त्वचा का रंग बदलने में कोई मेडिकल कारण नहीं है, उसके पीछे उस एक तरह की बीमारी है जिसका नाम है वेटिलिगो। वेटिलिगो एक स्किन डिजीज है जिसमें त्वचा का सफेद धब्बे हो जाते हैं। इस वजह से त्वचा का रंग हल्का होने लगता है। यही एक वजह है कि जैसे जैसे वेटिलिगो बीमारी बढ़ती गई, माइकल जैक्सन का त्वचा काफी परिवर्तन आने लगा। इसे स्टेज पर छुपाने के लिए वो कई क्रिएटिव ऑप्शन तलाशने लगे। माइकल जैक्सन ने अपने त्वचा के रंग के बारे में लोगों की बातों से परेशान होकर एक हाथ में हीरे से जड़ा दस्ताना पहनना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि लोग उसकी त्वचा के रंग के बारे में बातें करना बंद कर दे। एक हाथ को ढककर जैक्सन का सबका ध्यान हटाने में मदद मिली। चमचमाते हीरे की जड़ा इस दस्ताने को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इसकी वजह से जैक्सन को काफी सालों तक अपनी बीमारी छिपाने में मदद मिली। देखते ही देखते सफेद दस्ताने जैक्सन की स्टेज परफॉर्मेंस का हिस्सा बन गए। और माइकल जैक्सन के निधन के बाद उसका सफेद दस्ताना टेक्सास में नीलाम हुआ, जिसकी कीमत 85 पाउंड यानी करीब 80 लाख रुपए रखी गई। यही नहीं, इस दस्ताने को नीलामी में जीतने वाला शख्स नाम का खुलासा आज तक नहीं किया गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।